a fine young zebra by the name of Sue. Oh, 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 oh. Meet Mom and Dad, Nana too, Grandma, Grandpa, all of you. Oh, 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 oh. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. लो हम पहुंच गए, सब उतर जाओ। काश एलसी भी हमारे साथ एक्वेरियम आई होती। गिज़्मो के खोने की बात से वो बहुत ही ज्यादा उदास है। वो उसका फेवरेट बेयर था, शायद यहाँ आकर उसे थोड़ा अच्छा लगता। क्या उसने सब जगह ढूंढा? हाँ, हमने अपने गार्डन में और उसके गार्डन में हर जगह ढूंढा। एलसी, मैं जाकर देखता हूँ वो कैसी है। मॉम, ठीक है ज़ू। हाय एलजी। हाय ज़ू। अच्छा होता तुम भी एक्वेरियम आती, वहाँ बहुत मजा आया था। मैं खुश हूँ तुम्हें मजा आया, पर मैं गिज़्मो को ढूंढना चाहती थी। अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे साथ ढूंढ सकता हूँ। कोई बात नहीं ज़ू, मुझे बस यहाँ चेक करना था और बाकी सारी जगह तो मैं ढूंढ चुकी हूँ। बट थैंक्स। ओके, सी यू लेटर। बाय। सब ठीक तो है ना ज़ू? एलजी अब भी गिज़्मो को लेकर उदास है। मॉम, काश मैं उसे चीयर अप कर पाता। बहुत बुरी बात है कि वो एक्वेरियम नहीं गई। मैंने सुना है तुम सब ने वहाँ बहुत मजे किए। ओ हाँ ग्रैंडमा, बहुत मजा आया वहाँ। वहाँ अच्छी अच्छी फिश थी, वो भी अलग अलग कलर्स की। ओ, मुझे नहीं पता था वहाँ इतने तरह के फिश हैं। ज़ू, क्यों ना हम एक एक्वेरियम बनाएं, क्योंकि तुम्हें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा था ना। इसमें तो मजा आ जाएगा ग्रैंडपा। हम ऐसी मछली बनाएंगे जिसे खाने पीने की जरूरत ना पड़े, हम उन्हें खुद बनाकर टैंक में छोड़ देंगे। ठीक है, मैं ये ऐसे के लिए बनाऊंगा, वो खुश हो जाएगी। ये तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है ज़ू। तो चलो गैराज में, हमारी जरूरत की ज्यादातर चीजें वहीं हैं। ओके ग्रैंडपा। हमें सबसे पहले चाहिए एक टैंक। ये लो, ये तुम्हारे डैड का था। और यही कहीं एक बॉक्स होगा जिसमें तुम्हारे डैड की पुरानी चीजें हैं। देखते हैं। ये रहा। देखते हैं इसमें क्या है। उप्स। अब हमें चाहिए ग्रेवल टैंक के बॉटम के लिए। ओके ग्रैंडपा। देखो ज़ू, तुम्हें इसे ऐसे खोलना है और इस तरह से टैंक में डाल देना है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है ज़ू। इन्हें भी टैंक में डाल सकते हैं। परफेक्ट, मुझे पता था ये एक दिन काम आएगा। ये है डाइवर का हेलमेट ग्रैंडपा, लेकिन इसके साथ डाइवर नहीं है। इसकी जगह कुछ और यूज कर सकते हो। इससे काम हो जाएगा। डाइवर के हेलमेट के लिए इसका साइज बिल्कुल ठीक है। It looks great. अब हमें चाहिए फिशेज और हम उन्हें किचन में बनाएंगे। Come on. ओह, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। Thanks, Mom. अब हम बनाएंगे कुछ फिश।
पर शायद टैंक में थोड़े सीवीड भी चाहिए। तुम ये रैपिंग पेपर यूज कर सकते हो। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आकर देखता हूँ जब ये पूरा हो जाएगा। बाय। ओके डैड, बाय। इसे मैं काट देती हूँ जू। ये बहुत अच्छा दिखता है। ये हो सकती है कॉडफिश। सिल्वर फॉइल के फिन्स इस पर अच्छे दिखेंगे। इन्हें बनाना आसान है, देखो। ये बन गई एक फिश। और अगर हम इसे एक धागे से बांध दें और इसे इस तरह से टांग दें, लगेगा ये टैंक में तैर रही है। ग्रेट, मैंने ऐसे की पहली फिश बना ली। और ये भी है, तुम्हें बस इसे सजाना है। क्या बात है जू। चलो अब और फिशेस बनाकर दिखाओ। अगर हम इसे धागे से बांध दें तो तुम्हारी फिश आराम से तैर सकती है। आराम से पानी में। वाओ थैंक्स, आई लव इट। अब इसे एलजी को दिखाना चाहिए। हेल्प के लिए थैंक्स मॉम। तुम उसे कॉल क्यों नहीं करते? ये लो। हाय एलजी, इट्स ज़ू। यहाँ आ जाओ ना, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओके, सी यू सून। वो आ रही है। लगता है वो आ गई है। हाय एलजी। हाय ज़ू। मुझे अच्छा लगा तुम इतनी जल्दी आ गई। मेरे साथ आओ। हेलो एलजी, ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारा बैग गिज़्मो अभी तक नहीं मिला। मैं जानता हूँ ये गिज़्मो की जगह नहीं ले सकता, पर मैंने ये तुम्हें खुश करने के लिए बनाया है। पर इसमें मॉम और ग्रैंडपा ने हेल्प की। ओह ज़ू, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू। क्या मैं भी एक फिश बनाऊं? हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तुमने गिज़्मो को ढूंढ लिया और उसे इसमें रख दिया? मैं कुछ समझा नहीं एलजी। मेरा बैर, वो तुम्हारे टैंक में है। मैं अभी भी नहीं समझा। डाइवर, ये गिज़्मो है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे डैड के बॉक्स में था। नहीं ज़ू, ये गिज़्मो है सच में। हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है? सब ठीक है, लेकिन एक पहेली में उलझे हैं। ऐसा लगता है जैसे एलजी का खोया बैर ज़ू के एक्वेरियम में आ गया है। ओह, मैंने इसे गलती से उठा लिया होगा जब मैं तुम्हारी पुरानी चीजें देख रहा था। वैसे मुझे नहीं लगता ये मेरा है। ये यहाँ तब छूट गया होगा जब हम गैरेज में मेरी बाइक चेक कर रहे थे। ये उसमें रह सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए। ये बहुत अच्छा ड्राइवर दिख रहा है। कितना मजा आएगा ना अगर हम फिश के साथ तैर सके, बिल्कुल गिज़्मो की तरह। शायद ऐसा हो सकता है अगर मैं अपने बेडरूम को एक बड़ा सा फिश टैंक बना दूं तो। ये आइडिया बहुत अच्छा है ज़ू। मछलियाँ बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड के टुकड़े चाहिए और थोड़े बलून्स। हाँ, हम वो बलून्स यूज कर सकते हैं ज़ू के बर्थडे वाले, और सीवीड के लिए लास्ट क्रिसमस के बचे स्ट्रीमर्स भी। ऐसा होगा तो वो लगेगा ब्रिलियंट। सॉरी। वाव, इन फिशेस को तो देखो। लाओ मैं हेल्प करती हूँ। मैं हूँ सीवीड मॉन्स्टर। बस एक ही चीज करनी बाकी है।
कितना अच्छा है। हम फिशेस के साथ तैर रहे हैं। हेलो, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जू, तुमने एलजी के लिए एक्वेरियम बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मॉम और मैंने सोचा कि तुम्हारे पास भी एक हो। वाओ, मेरी अपनी पेट फिश डैड। थैंक्स, ये बहुत अच्छी है। ये मेरे बेडरूम में ही रहेंगी।